हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि आपको हमसे फॉरेस्ट्री हिंदी में पढ़ना है, तो हमने आपके लिए फॉरेस्ट्री का हिंदी में कोर्स लॉन्च किया है, जिसे हम वानिकी हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट वन और पार्ट वन शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, जो भी आपका फॉरेस्ट्री है या ये फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है, तो इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा है और किस तरह से उसमें मार्क्स मिलते हैं या किस तरह से इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, परीक्षा में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के लिए हमने एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप अपनी जो फॉरेस्ट्री की तैयारी है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में ये हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन और वानिकी की इकाई एक जो है उसमें हम परिभाषा और शब्दावलियों का पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम वनों का इतिहास, पृष्ठभूमि और ये ऐसे करते हुए हम ये सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो ये आपका जो है, ये आपका पूरा सिलेबस है। तो फॉरेस्ट्री की जो यूनिट्स है वो यहाँ यूनिट फोर तक है, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनजातियां शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली जो है फॉरेस्ट्री के लिए हमने कोर्स को सारे सब्जेक्ट मतलब सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए बनाया है, लेकिन सिलेबस जो है हमने एमपीपीएससी का लिया है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड आ रही थी वो एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेन्स के लिए आ रही थी। इसलिए हमने जो ये कोर्स बनाया है वो एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेन्स के सिलेबस को बेस लेते हुए बनाया है, लेकिन इसमें जो भी कंटेंट डाला जा रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स और सारे एग्जाम्स को कवर करता है, जिसमें भी जहां पर भी थोड़ा बहुत भी फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस वीडियो को सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ना समझे, ये एमपीपीएससी के सब्जेक्ट के सिलेबस को बेस लेते हुए कंप्लीट फॉरेस्ट्री का कोर्स है, जिसे आप पूरा हमारे साथ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं। वन वो क्या है, तो फॉरेस्ट शब्द जो है वो फॉरेस्ट के इंग्लिश शब्द यानी लैटिन भाषा का जो शब्द है फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि गांव या बस्ती से दूर लगा हुआ वन, जिसे हम फॉरेस्ट या वन कहते हैं। एक्चुअली क्या होता था कि आप जानते हैं कि ये जो लैटिन भाषा है ये यूरोप की भाषा है, यानी कि जो हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यदि हम उसे इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो ज्ञान है वो सारा यूरोप से आया है हमारे देशों में, तो हम ज्यादातर चीजें वहां की फॉलो करते हैं। तो जो यूरोप की बस्तियां होती थी जहाँ पर लोग रहा करते थे, और उसके बाहर का जो एरिया था जहाँ पर, इसे मैं ग्रीन से बना देती हूँ, उसके बाहर का जो एरिया था उसे वो लोग फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कहते थे, जिसका मतलब होता था गांव या बस्ती से दूर लगा हुआ वन, उसे वो फॉरेस्ट कहते थे। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट या वन शब्द की परिभाषा को गढ़ा। फिर इसी तरह से हम परिभाषा को देंगे तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक पेड़ उगते हैं और उसका घनत्व सर्वाधिक रहता है, उस क्षेत्र को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से यहाँ पर कोई जाके ना बीज डालता है, ना कोई पेड़ का पौधा डालता है या लगाता है, तो वहां पर सब कुछ प्राकृतिक रूप से उगता है और उसका घनत्व, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा घनत्व बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो एक पेड़ है और दूसरे पेड़ है उसके बीच का जो बीज की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत कम है। तो इस तरह से घनत्व उसका सबसे ज्यादा है। घनत्व की अगर हम जो परिभाषा को देखें तो उसका मतलब होता है कि एक इकाई क्षेत्रफल में उगे हुए पेड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई क्षेत्रफल में पेड़ ढेर सारे हैं, तो इसलिए ऐसे ही इसकी परिभाषा गढ़ी गई है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक पेड़ उगते हैं और उसका घनत्व सर्वाधिक रहता है, उस क्षेत्र को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। आइए आगे देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारी पहली इकाई का पहला टॉपिक है, तो उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट या टॉपिक है कृषि वानिकी, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है। ये एक प्रणाली है जिसमें उत्पादन और सकारात्मक प्रभावों को अनुकूल करने के लिए खेती के नकारात्मक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कृषि प्रणालियों में वनों का एकीकरण है। मतलब इसके आप शब्द, इस परिभाषा के शब्द को आप देखें तो इसमें क्या लिखा है। पहले तो आप जानते हैं कि जिस तरह से हम खेती करते हैं तो इस तरह से हमारा भूमि का एक टुकड़ा होता है जिसमें हम फसल लगाते हैं। तो फसल लगाने से आप जानते हैं कि हमने वहां पर, यदि ये भूमि का टुकड़ा बनाया है तो इसका मतलब हमने इसमें पहले जो वनस्पतियां लगी हुई थी, जो पादप लगे हुए थे, जो पेड़ या वन का क्षेत्र था, उसे हमने साफ किया। यदि आप झूम कृषि के बारे में जानते होंगे तो उसमें जनजातियां क्या करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी वन या वन से संबंधित कोई भी चीज लगी होती है, पेड़ पौधे जो भी, उन्हें जला दिया जाता है। तो इस तरह से पहले खेत का एक टुकड़ा बनता है, खेत भूमि का, उसमें फिर उसमें फसल लगाई जाती है। और ये फसल कितनी, 6 माह की होती है, 3 माह की होती है। तो इसमें क्या होता है कि उसके बाद हम इसमें से अनाज लेकर इसे फिर से अलग साफ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो वन क्षेत्र था उसमें जो पेड़ लगे हुए थे उन्हें वहां से हटाकर खेती का काम शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि जिस तरह से खेती की जाती है आज के समय में, उसमें ढेर सारे पेस्टिसाइड, उर्वरक, कितने सारे इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, ये सारी चीजों को डाला जाता है। तो इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। जो पानी इसमें सिंचाई करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा दोहन होता है। उसके बाद ये पानी यदि बह के किसी जल निकाय में चला जाता है तो उस जल निकाय को भी दूषित कर देता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि एल्गल ब्लूम जैसी घटनाएं होती है, फिर जैव आवर्धन जैसी घटनाएं होती है। तो मतलब कितना सारा, हमने खेती एक खेती से हमें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने, आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो हमने क्या किया था, पहले जंगल था उसे हटाकर खेती के लिए भूमि को दिया था। तो अब क्या कर रहे हैं, कृषि वानिकी में आप क्या कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, वानिकी भी कर रहे हैं। वानिकी का मतलब होता है कि आप यहाँ पर पेड़ों को लगा रहे हैं। तो आपके पास, जैसे कि आप जानते हैं कि खेतों के किनारे वाली भूमि जो है उसमें किसी भी तरह से कोई यूज नहीं होता, तो इनमें क्या करते हैं ये लोग, पेड़ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये पूरा जो जो खेती के किनारे का एरिया या लैंड है, इसमें क्या होता है, एक अच्छी हरित पट्टी बन जाती है, जो एक तरह से आपकी खेती की जो फसलें हैं उनका भी बचाव करती है। अब बचाव किस तरह से करेगी कि तेज आंधी तूफान आएंगे तो उससे उसको एकदम से खेत में पड़ने वाले प्रभावों को रोकेगी। फिर वैसे ही बहुत सारे, आप जानते हैं कि यदि ये खेत जो है वो सड़क के किनारे या मानव बस्ती के किनारे हैं तो लोग, नॉर्मल पीपल जो रहते हैं वो भी इसमें आके मतलब इसको इसे रास्ते की तरह यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे खराबी आ जा मतलब कुछ फसलों को खराब करते हुए निकल जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे पशु जानवर होते हैं जो इसमें चराई करने आ जाते हैं। तो जब आप एक मजबूत जो पेड़ हैं उनकी आप अगर 2 से 3 पट्टियां बना दें यहाँ पर, इतनी 2 से 3 पट्टियां यदि बनाई जाएंगी तो क्या होगा कि यहाँ से खेत, आपके जो खेत है उसकी तरफ आना थोड़ा कठिनाई भरा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग यहीं से वापस लौट जाएंगे, जैसे पशु हो गए, लोग हो गए, और उसके बाद हवाओं को तो ये रोकेगा ही, फिर बहुत सारी चीजों से आपको बचाव होगा। प्लस इसमें क्या होगा, इसमें आपने जो पेड़ लगाए हैं वो हो सकता है किसी तरह के फलदार वृक्ष हो, तो वो जो फल हैं आपको खेत से तो जो अनाज का आउटपुट आने वाला है उसे तो आप बेच के कमाएंगे ही, साथ ही साथ आप फल से भी कमाएंगे जिस जो आपने यदि लगाया हो। यदि यदि आपने उसमें कुसुम पलास जैसे वृक्षों को लगाया है जिनमें रेशम कीट पालन या फिर या लाख के कीटों का पालन हो सकता है, तो आप उससे रेशम भी उगा सकते हैं और उसे बेचकर भी धन कमा सकते हैं। तो इस तरह से कृषि वानिकी जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा, मतलब अभी की डेट में, ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और इसलिए और फायदेमंद है, किसानों की आय दुगनी कर सकता है, इसलिए ये एग्जाम के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक सेपरेट चैप्टर भी हम पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम पे। तो आप जानते हैं कि ये एक तरह से ऐसा है कि कागर में सागर भरने जैसा हो गया कि एक एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमने कृषि वानिकी की टर्मिनोलॉजी को देखा। जैसे ये हमारी पहली शब्दावली पूरी हुई। अब डेंड्रोलॉजी क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं
कि जो पेड़ होता है उसकी उम्र निकालने के लिए पहले इस तरह से जो पेड़ लगा हुआ होता है उसे ऐसे बीच से काट दिया जाता है, काट दिया जाता है तो ऐसे रिंग्स उसमें दिखाई देते हैं और इससे उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। इसमें उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और डेंड्रोलॉजी क्या होता है, इसमें आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष प्रजातियों का अध्ययन और पहचान की जाती है। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो शब्द है वो आपने उम्र निकाली किसकी, पेड़ की निकाली, तो वैसे ही डेंड्रोलॉजी को आप जोड़ सकते हैं कि पेड़ यानी कि वृक्ष प्रजातियों का अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और डेंड्रो का मतलब मैंने डेंड्रोक्रोनोलॉजी से आपको समझा दिया कि ऐसे रिंग्स की बात हो रही है तो मतलब वृक्ष की बात हो रही है, तो वृक्षों का, वृक्ष प्रजातियों का अध्ययन और पहचान शामिल है किसमें, डेंड्रोलॉजी में। अब वन पारिस्थितिकी या फॉरेस्ट इकोलॉजी, अब सबसे पहले आप जानते होंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो ये आप पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में कि जो टांसले हैं उन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द की परिभाषा को गढ़ा था। और पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी पारितंत्र के अंदर जो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसके पूरे अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब वन पारिस्थितिकी क्या होता है, यह वन पारिस्थितिकी तंत्र के पैटर्न और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब ये वन वन से संबंधित जो पारितंत्र या पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन है। तो इस तरह से हमने तीन शब्दावलियों को पूरा किया। आप जैसे कि जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है कि ये डायरेक्ट परिभाषा आ जाती है और उससे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो जब एक से शब्द दिखाई देते हैं तो उनमें चार ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आपको सारी चीजों को उसके शाब्दिक अर्थ से जोड़ते हुए पढ़ना है क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आपने उसे, जैसे मैंने आपको डेंड्रोलॉजी के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी बताया, एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में समझाया, पारिस्थितिकी के बताया, तो इससे आप उसको जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको याद कम रखना पड़ेगा, समझ में ज्यादा आएगा। आइए फिर आगे देखते हैं शब्दावली में। वन अर्थशास्त्र, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र मतलब होता है, शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, और अर्थ का मतलब होता है कि धन, धन प्रबंधन, धन का विज्ञान, इन सब चीजों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब फॉरेस्ट में क्या होगा, अब आपको मैंने अभी बताया था कि फॉरेस्ट में आप जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि एक होता है लघु वनोपज, एक होता है मुख्य वनोपज। तो वन से जो उपज आ रही है वही उसको बेच के जो प्रभाव हमें धन के रूप में मिलेगा उसका, उसे हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में। तो यह वन प्रबंधन निर्णयों पर अर्थशास्त्र के प्रभाव का अध्ययन करता है। अब जैसे कि आप भी जानते हैं कि यदि आपके घर में कोई दुकान है तो आप उसका प्रबंधन करते होंगे क्योंकि वो आपके घर की अर्थशास्त्र को संभालता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को संभालता है, यानी कि वो आपके घर में धन को प्रबंधित करता है, किस तरह से आपके घर में पैसा आएगा। तो आप उस पे, यदि दुकान है या कोई भी आपकी ऐसी चीज है जिससे आपको कमाई होती है या धन अर्जित होता है, तो आप उसमें प्रबंधन करते हैं, यानी कि कुछ उसमें उसका मेंटेनेंस भी करते रहते हैं, उसमें कोई खराबी आती है तो उसे रिपेयर कराते हैं। तो इस तरह से जब फॉरेस्ट आपको इतना कुछ दे रहा है, वन आपको इतना सारे उपज दे रहा है लघु वन उपज के रूप में या मुख्य वन उपज के रूप में, आप उसका भी तो प्रबंधन करेंगे ना। और प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे हम पढ़ेंगे टेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं टेंडिंग ऑपरेशंस, यानी कि वनों में जो पेड़ उग जाते हैं, मतलब कुछ शाखाएं निकल आती हैं, कुछ कुछ ऐसे खरपतवार उग जाती है जिनका हमारे, मतलब जो मुख्य जो हमारी उपज है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे हम हटाते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो उसे हम प्रबंधन में, वन प्रबंधन में देखते हैं। और ये सब करने के लिए आप जानते हैं कि मजदूर लगेंगे, कुछ कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स लाने पड़ेंगे, कुछ आपको इसमें बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन में देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वन अर्थशास्त्र में वन प्रबंधन कितनी बड़ी बात है, और इसमें हमें पैसे भी लगेंगे, इन सब चीजों को खर्चा तो होगा ही, और साथ ही साथ जो हमें उपज मिलेगी उसे भी बेच के पैसा मिलेगा। तो वन अर्थशास्त्र आप समझ गए होंगे कि ये पूरा धन से संबंधित है। अब आगे देखते हैं वन जल विज्ञान, फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, यह पारिस्थितिकी तंत्र में पानी की आवाजाही, वितरण और गुणवत्ता पर वन भूमि उपयोग में परिवर्तन के प्रभावों का प्रतीक है। अब आप समझ गए हैं कि जैसे वन
जो वन का क्षेत्र है, आप जानते हैं हमारे देश में कितना बड़ा क्षेत्र है और फिर पूरे विश्व में कितना सारा होगा, और उसमें फिर पानी की आवाजाही, मतलब पानी, आप जानते हैं कि जो वन है वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल वहां पे वर्षा भी होगी, पानी भी, जब वर्षा होगी इतने बड़े क्षेत्र में तो पानी जो है वहां पे नालियों के रूप में बहना शुरू हो जाएगा, तो उसका वितरण क्या होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, वन भूमि में उपयोग कैसा होगा, परिवर्तन क्या करने चाहिए, और इन सब प्रभावों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वन जल विज्ञान या फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी। तो आइए आगे देखते हैं वन प्रबंधन के बारे में। अब वन प्रबंधन क्या होता है, वन प्रबंधन होता है कि, मैं तो आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था कि वन प्रबंधन में कितनी सारी चीजें आती हैं, किस तरह से वन को मैनेज करना है, उसको इस तरह से बनाना है कि आप उसमें से अधिकतर आउटपुट निकाल सके और कम से कम इनपुट दे सके, यानी कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे कमाने का मौका मिल सके। तो इसमें वन विनियमन, इसमें विनियमन भी लगता है, यानी कि नियम कानूनों का ढांचा भी लगता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में फॉरेस्ट की बात आती है तो सबसे पहले फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट आता है, जिसमें उसके बाद फिर आप तैयारी कर रहे हैं जिन चीजों की, वो है RFO, ACF, इन सारे, ये सारे अधिकारी आते हैं। तो इस तरह से जो है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, वन का विनियमन जो है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि प्रशासनिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक पहलू शामिल होते हैं। आर्थिक कैसे, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बजट आता है। कानूनी, आप जानते होंगे कितने सारे वनों के अधिकार बने हुए हैं, वनों के अधिकारों के लिए कानून बने हुए हैं। उसके बाद सामाजिक पहलू, जैसे कि आप जानते होंगे कि जनजातियां इनमें रहती हैं, तो इन सबको शामिल करते हुए जब वनों को प्रबंधित किया जाता है तो उसे वन प्रबंधन कहते हैं। फिर वन क्षेत्र मिति यानी होता है फॉरेस्ट मेंश्योरेशन। ये क्या होता है, यह स्टैंड लकड़ी की मात्रा और उत्पाद स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए वन स्टैंड के मात्रात्मक माप को शामिल करता है और एक आधार प्रदान करता है जिसके आधार पर प्रबंधन निर्णय किए जा सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बहुत टेक्निकल परिभाषा लिखी हुई है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आप जानते हैं स्टैंड किसको कहते हैं, स्टैंड कहते हैं जैसे कि जो भी हमारा पेड़ होता है उसका जो ये वाला भाग होता है, तने वाला भाग होता है, उसे स्टैंड कहा जाता है। और स्टैंड जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी फॉरेस्ट या वन का क्षेत्र होता है उसमें ढेर सारे पेड़ लगे होते हैं, और ये जो सारे पेड़ हैं या स्टैंड हैं, इनको फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचा जाता है, पेपर इंडस्ट्री को बेचा जाता है, उसके बाद इससे रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं और बहुत सारे इनके इस्तेमाल होते हैं। तो वन विभाग क्या करता है, इन सबको, इस सब की बोली लगाकर इन्हें एज अ उत्पाद बेचता है, एक उत्पाद के रूप में इन्हें बेचता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टैंड है या जो लकड़ी है, ये ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, इसे बनाने के लिए काफी सारा उसमें उन लोग इनपुट डालते हैं। क्या क्या डालते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जब ये पेड़ को जब उन्होंने बीज लगाया या कोई एक तरह से छोटा सा पौधा लगाया, तो उसमें, और फिर ये बड़ा पौधा पेड़ बनेगा, तो इसमें क्या होता है, कुछ कटाई छटाई होती है, इसके आजू बाजू कुछ जो इसमें खाद वगैरह है वो देनी पड़ती है, कुछ खरपतवार उग जाती है आसपास तो उसे हटाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है, पहले इसको इस तरह से एक पेड़ के स्टैंड को बनाया जाता है, मतलब उसको इस तरह से पोषित किया जाता है कि वो एक अच्छे आकार का बने। अब वो जो आकार है उसको मापना भी तो पड़ेगा ना, कि ये जो है, जब भी आप अपने यहाँ से कुछ बेचने जाएंगे, यानी कि ये लकड़ी बेचने जाएंगे, तो खरीदने वाला ये देखेगा ना कि उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता कैसी है, तभी तो वो उसका सही पैसा देगा। तो इसलिए जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन, ये यही काम करता है कि इसका जो भी मापन वाला जो कार्य है ना, वो इस सब में आता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो भी हमारी लकड़ी है, टिम्बर है, या फर्नीचर के लिए जो हम ये तने टाइप का जो लकड़ी रहती है, उसे जब हम बेच रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ मापन लगता है इसका, कि इसकी जो पेड़ है उसकी मतलब उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इससे प्लाईवुड कितने
सेंटीमीटर या कितने मीटर बाय सेंटीमीटर का बन के आने वाला है, तो इस तरह से जो भी इसकी गुणवत्ता की मापन है, ये सारी चीजें काय में आती हैं, फॉरेस्ट मेंसुरेशन में आती हैं। वैसे ही क्या होता है कि जब वनों को प्रबंधित किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वन क्षेत्र इतना है, इतना सारा कार्बन स्टॉक है, तो कार्बन स्टॉक को कैसे मापेंगे आप? कार्बन स्टॉक को मापने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने टन की लकड़ी इसके अंदर इकट्ठी है, यानी कि कितना कार्बन मास इसके अंदर है, तो आप उसको माप पाएंगे कि हाँ इतना CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण से इसने अपने अंदर सोख कर रख लिया है। तो इसे हम मापने के लिए हमें फिर से कोई मापन का आधार लगेगा, तो वो मापन जो है वो फॉरेस्ट मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, ये एक सेपरेट बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, जो जिसमें से कुछ भाग हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं वन संरक्षण के बारे में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से कवक, रोगजनकों, कीड़ों, सूत्रकृमि, परजीवी पौधों, जलवायु कारकों, तनाव, लवणता, आग आदि और उनके प्रबंधन द्वारा जंगल या पेड़ के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के रोग शामिल हैं। अब जैसे कि आपका जो जंगल है, अगर आपने जैसे वन विभाग है हमारे देश का या कहीं का भी, उसने बहुत सारे पेड़ लगाए ताकि वो अपने देश में बता सके कि हाँ हमने इतना बड़ा कार्बन सिंक बनाया है, तो कार्बन सिंक बनाया है तो बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक कवक या रोगजनक या कीड़े आ गए और उन्होंने सारी उनकी वो खराब कर दी, तो इससे क्या हुआ, जो खर्चा हमने इसमें लगाया था, सरकार ने जो बजट दिया था कि हाँ आप इतने पेड़ लगाइए, वो नहीं हो पाया, तो उससे क्या होगा, कहीं भी नौकरी जा सकती है। तो इस तरह से जो ये इसका प्रबंधन किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, किससे? रोग जनकों से, कीड़ों से, सूत्रकृमि से, परजीवी से, और फिर आग भी लग सकती है, कभी कभी तनाव हो सकता है वहां पे जो जलवायु कारक हैं। तो तनाव क्या होगा कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत कठिनाई भरा वातावरण बन गया है, जैसे बहुत तेज धूप आ रही है, यहाँ लवणता लिखी हुई है, बहुत ज्यादा आग लग चुकी है, बहुत सारा एक साथ पानी आ गया, तो इन सब चीजों से बादल फटने जैसी घटनाएं हैं, उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो जंगल का क्षेत्र है वो खराब हो गया, उसमें जो पेड़ लगे थे वो बर्बाद हो गए, तो इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। तो उनके प्रबंधन द्वारा जंगल या पेड़ के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोग उनको शामिल किया जाता है, जिनको जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के रोग शामिल होते हैं। तो इस तरह से इन सारे रोगजनकों से, इन सारी जलवायु कारकों से, जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, इन सब से वनों का जब बचाव किया जाता है, तो उसे हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम सिल्वीकल्चर को देखते हैं। सिल्वीकल्चर आपके पहली यूनिट में एक अलग से टॉपिक भी है, जिसे डिटेल में पढ़ना है। यह विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वनों की स्थापना, वृद्धि, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला और विज्ञान है। तो सिल्वीकल्चर क्या है, इसे क्या कहते हैं? कास्ट, सिल्वी वर्ड जो है वो सिल्वा से आया है, जिसे कहते हैं कास्ट, कास्ट यानी लकड़ी। तो लकड़ी से संबंधित यानी वृक्ष से संबंधित, उसकी पहले आप उसमें उसको बीज रोपाई करेंगे तो उसकी स्थापना हो जाएगी, फिर उसमें वृद्धि, उसको वृद्धि होने के दौरान मैंने बताया कि कटाई छटाई भी करनी पड़ती है, फिर उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, फिर स्वास्थ्य देखते हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि लकड़ी में कुछ ऐसे रोग और ऐसे कवक वगैरह लग जाते हैं, जिस वजह से उसकी जो वजन कभी हल्का हो जाता है, कभी अंदर से खोखली हो जाती है, तो इस तरह से उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो इन सब के अध्ययन और इन सबको नियंत्रित करना और उसकी कला और विज्ञान को क्या सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब आगे देखते हैं जिसमें है शहरी वानिकी, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में हमने वृक्षों को, वनों को काट के वहां पे शहर बसा दिया है, तो शहर बसाने से क्या हुआ है, वहां की जो पर्यावरण है वो प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो अब उसे वापस से रिपेयर करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए क्या करते हैं कि फिर से अब वहां पर वृक्ष को लगाया जाता है। अब वृक्ष को लगाना क्या होता है, वानिकी होता है,
शहर में वृक्षों को लगाना शहरी वानिकी हो गया। तो यह शहरी पर्यावरण में सुधार के उद्देश्य से शहरी वृक्ष आबादी की देखभाल और प्रबंधन पर जोर देता है। अब जैसे देखभाल क्यों, जैसे कि आप जानते हैं कि शहरों में जहाँ इतना प्रदूषण है, जहाँ इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, इतना ज्यादा नॉइस होता है, वहां पर कोई भी पेड़ पनप जाना और अच्छी अपनी अच्छी पोजीशन में आ जाना बहुत कठिन हो सकता है। और उसका प्रबंधन क्यों, जैसे कि शहरों में आप देखते हैं कि गाड़ियां इतनी चलती हैं, इतना प्रदूषण होता है, तो उसमें उनको बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है कि कोई उन पर मतलब गाड़ी ना चढ़ा दे, या पेड़ लगे हैं वहां पर कोई उनको वहां से उखाड़ कर ना फेंक दे। तो इन सबको प्रबंधित करने का जो क्षेत्र है वो शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। और शहरी वानिकी में आप याद रखिए कि जो वृक्ष की प्रजातियां जो इस्तेमाल की जाएंगी वो जो होती है फॉरेस्ट माने कि वन के प्रजातियों से थोड़ी अलग होती है, मतलब ऐसी प्रजातियों का चुनाव किया जाता है जो ऐसे वातावरण में अपने आप को बनाए रख सके और बहुत ज्यादा कमजोर ना हो, मतलब थोड़ी मजबूत टाइप की रहती है ऐसी प्रजातियां जिन्हें रूडरल प्रजातियां कहा जाता है। ये यूपीएससी में पढ़ा जाता है। आप बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि शहरी वानिकी में शहरों में वृक्षारोपण किया जाता है ताकि शहरी पर्यावरण में सुधार हो सके और वृक्ष आबादी की देखभाल और प्रबंधन हो सके। अब सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी का मतलब है ये है कि समाज जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि यह मानव वन बातचीत और समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन को के महत्व को संबोधित करता है। कि क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो मुख्य अभिकर्ता जो है वो समुदाय है या समाज है जो कि वानिकी को बढ़ावा दे रहा है। अब हम देखते हैं कृषि वानिकी को, फार्म फॉरेस्ट्री, कृषि भूमि पर कॉम्पैक्ट ब्लॉकों में पेड़ों की खेती और प्रबंधन की प्रथा को कृषि वानिकी कहते हैं। अब मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री में भी बताया था कि जो कृषि का क्षेत्र है, आपका फार्म है, आपका खेत है, उसमें आपने ऐसे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और ऐसे पेड़ लगा दिए, इन सब में पेड़ लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि पेड़ों के लिए को उगाने की जगह भी निकल आती है और इस तरह से छोटे छोटे आपके जो खेत बच मतलब खेतों का वो बच जाता है, उसमें आप अलग अलग फसलें लगाकर, इनमें एक फसल लगा दी, इसमें एक फसल लगा दी, या सब में एक ही तरह की फसल लगा के पेड़ और कृषि दोनों को साथ साथ किया जाता है। उसके बाद समुदाय वानिकी क्या होती है कि ये सामाजिक वानिकी का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, ग्रामीण विकास और गरीबी में कमी के उद्देश्य के साथ वन संरक्षण का संयोजन एक कानूनी ढांचे की स्थापना के माध्यम से पूरा किया गया जो लाभदायक और टिकाऊ वन प्रबंधन के पक्ष में हो। तो इसमें क्या है कि सामुदायिक वानिकी में क्या किया जाता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य मतलब मुख्य रूप से लकड़ी को जरूरत पड़ती है कुछ आग वाग जलाने के लिए, या फिर चारागाह की जरूरत पड़ती है उनके ढेर सारे पशुओं को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए, तो इस तरह से क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि अपने गांव से बाहर जो वन का क्षेत्र होता है उसमें से अपने संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, यहाँ का जो वन का जो प्रबंधन है वो बिगड़ जाता है। तो इसे रोकने के लिए सरकार जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो भी इनके जरूरत की चीजें वो इनके आसपास के क्षेत्रों में ही उगाई जाए इन्हीं के द्वारा, ताकि ये अपनी आपूर्ति के लिए बाहरी वन क्षेत्र से किसी भी तरह का कोई भी संसाधन ना लेने जाए, यहीं पर रखें, यहीं से उगाएं और यहीं पे अपने आप में इस्तेमाल करते चलें। तो इसी तरह का एक सामुदायिक वन, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको वानिकी करनी पड़ेगी, अपने आसपास कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे जो भी आपकी जरूरत के हैं। तो इसलिए जो समुदाय है वो खुद ही अपने वानिकी मतलब वृक्षारोपण करता है और उसमें से अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो इसके बदले में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें वानिकी का फायदा मिल जाता है, यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, या जब हम देखेंगे ISFR की रिपोर्ट जो होती है, यानी कि वन भारत में वन स्थिति की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, तो उसमें जो है ट्री कवर बढ़ जाता है, यानी कि जो हम पेड़ों का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो जब ये लोग कम्युनिटी वाले अपने लिए खुद के लिए भी वानिकी करते हैं, तो इस तरह से इनको कानूनी ढांचा भी दिया गया है। और आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में लाल वन कम्युनिटी एरिया जो पंजाब का है, उन्होंने अपने लिए खुद ही वानिकी करके बढ़िया सा फॉरेस्ट बनाया हुआ है। तो आप इसे जरूर सर्च करके देखिए।
ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक, आपको अच्छा लगे हमारा काम तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, और हमें फीडबैक दीजिए कमेंट करके कि हमें और क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए जो भी इस सब्जेक्ट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो आप जैसे कि हमारे जब भी हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, हमें कमेंट करके बताते हैं, जिस तरह से आपने हमें बोला कि आपको हिंदी में फॉरेस्ट्री पढ़ना है तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया, तो इस तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो कल हम बाकी की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, फिर हम और आगे वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप हमारे सब्जेक्ट को देखते रहिए और हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू।